गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आइए क्लास सिक्स का सोशल साइंस आज हम लोग पढ़ेंगे। फाइव चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे द वैदिक एज। तो वैदिक एज में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है, और आगे हम लोग आज यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था आपका, हमने ठीक भी किया है, ठीक है। आज एडमिनिस्ट्रेशन से पढ़ेंगे, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पोलिटिकली आर्यंस वर डिवाइडेड इंटू ट्राइब्स और जेंट्स। इच ट्राइब वॉज हेडेड बाय अ किंग कॉल्ड राजन। दिस वॉज नॉट अ हेडेक्टिव पोजिशन। द राजन वॉज सेलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ हिज ट्राइब। पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। द किंग वॉज द प्रोटेक्टर्स ऑफ हिज ट्राइब। ही प्रोटेक्टेड हिज कैटल, फॉर वार्स एंड ऑफर्ड प्रेयर्स टू गॉड ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइब्स। कह रहा है सेनापति वॉज इन चार्ज ऑफ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द कह रहा है रुता वॉज गिवेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजिंग रिलीजियस ड्यूटीज। द पोलिटिकल सिस्टम वॉज डेमोक्रेटिक एंड द मेम्बर्स ऑफ द जन ठीक है टूक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग थ्रू टू पॉपुलर असेंबली सभा एंड समिति। वाइल समिति consulted of all the people of the village. The Sabha was an assembly of selected people, perhaps the council of elders. In the beginning, the king got voluntary offering called a bali from the people. Only when the Aryans were fully settled and could produce surplus agriculture, the regular system of taxation evolved. The king did not maintain any regular or standing army, and in times of wars, he organized a people's army or military. But as the kingdoms became a more powerful economically, gradually regular standing armies were set up. अब आइए समझते हैं इसको क्या कह रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासनिक। क्या होता है? प्रशासनिक। कह रहा है पॉलिटिकली आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू टू ट्राइब्स, ठीक है, इनटू ट्राइब्स और जेंट्स। मतलब क्या? पॉलिटिकली का हिंदी क्या होता है? राजनीतिक। कह रहे राजनीतिक रूप से आर्यों को जनजातियों या जनमानस में विभाजित किया गया था। किसमें? जनजातियों या जनमानस में, ट्राइब्स और जेंट्स, ठीक है। कह रहे इस ट्राइब वॉज हेडेड बाय अ किंग कॉल्ड राजन। कह रहे प्रत्येक जनजाति का नेतृत्व राजन नामक राजा द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? प्रत्येक जनजाति का नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब लीडरशिप, ठीक है। जिस तरह घर का एक मुखिया होता है, ठीक है, एक व्यक्ति जो घर का चलाता है, सब कुछ डील करता है, उसी तरह वहाँ भी होता था। प्रत्येक जनजाति का नेतृत्व राजन द्वारा किया जाता था, ठीक है। दिस वॉज नॉट अ हेडेक्टिव पोजिशन। कह रहा है यह वंशागत स्थिति नहीं थी, ठीक है। द राजन वॉज सेलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ हिज ट्राइब। मतलब क्या? कि उनके जनजाति के सदस्यों द्वारा चुना जाता था राजन। किसके द्वारा? ये वंशावली नहीं था। वंशावली का मतलब समझ, राजा का बेटा राजा, ऐसा उस सिस्टम उस समय नहीं था। क्या था? ये जनता के द्वारा क्या होता था? चुना जाता था उसको। द किंग वॉज प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब। मतलब क्या? कह रहा है कि उनके जनजाति के सदस्यों द्वारा चुना जाता था। राजा अपने जनजाति, क्या राजा अपने जनजाति के क्या होते थे? रक्षक होते थे। क्या होते थे? राजा अपने जनजाति के प्रोटेक्टर्स, मतलब क्या? रक्षक होते थे। ही प्रोटेक्टेड हिज कैटल, फॉट वार्स एंड ऑफर्ड प्रेयर्स टू गॉड ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइब्स। मतलब क्या? उन्होंने उनकी रक्षा की, गोवंश युद्ध लड़े और कह रहा है जनजातियों की ओर से ईश्वर से प्रार्थना की। जनजातियों की ओर से किससे प्रार्थना की? ईश्वर से। प्रेयर्स टू गॉड, ईश्वर से क्या किया? प्रार्थना की। कह रहा है सेनापति वॉज इन चार्ज ऑफ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द पिरोटा वॉज गिवेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजिंग रिलीजियस ड्यूटीज। मतलब क्या? कह रहा है सेनापति सैन्य, सेनापति क्या? सैन्य जिम्मेदारियों के प्रभारी थे। सेनापति को क्या दिया जाता था? पूरे सैन्य का एक प्रभारी दिया जाता था, ठीक है, प्रभारी थे वो। और पुरोहित को धार्मिक कर्तव्यों का प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि द पोलिटिकल सिस्टम वॉज डेमोक्रेटिक एंड द मेंबर ऑफ द जन टू पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग थ्रू द टू पॉपुलर असेंबलीज सभा एंड समिति। अब आइए पूरा समझते हैं, पढ़ तो दी है, ठीक है। कह रहा है
कि राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक थी और जन के सदस्यों के ने निर्णय लेने में भाग लिया था। जन के सदस्यों ने क्या किया था, निर्णय लेने में भाग लिया था। ठीक है, दो लोकप्रिय असेंबली थी, दो लोकप्रिय असेंबली को थी, अभी हम बोले सभा और समिति के माध्यम से समिति ने गांव के सभी लोगों को इसमें क्या किया था, शामिल किया था। सभा कुछ चुने हुए लोगों का एक सभा होता था, सभा में कुछ जो है सारे लोग नहीं आते थे, सभा जब भी लगता था उसमें कुछ चुने हुए लोग को ही उसमें बुलाया जाता था। शायद बड़ों की परिषद शुरू कह रहा है कि शायद बड़ों की परिषद शुरुआत में राजाओं के लोगों से स्वेच्छा से बालिक नामक प्रथा मिलता था, ऐसा ऐसा लगता है। कह रहा है केवल जब आर्य पूरी तरह से व्यवस्थित थे, कह रहा है कि जब आर्य जो है से पूरी तरह से क्या था, व्यवस्थित था, ठीक थे और अधिशेष कृषि का उत्पादन कर सकते थे, तो कराधान की नियमति और प्रणाली विकसित हुई थी। उससे कराधान का मतलब क्या समझे, टैक्सेसेज। ठीक है, इसमें लिखा हुआ राजा ने कई नियमित या स्थायी, ठीक है, सेना नहीं रखी थी। राजा ने क्या रखा था, कई स्थायी सेना नहीं रखा था। ठीक है, टैक्सेशन है ना, ठीक है, टैक्सेशन इन्वॉल्व नहीं रखा था राजा ने उसमें, क्या क्या कोई स्थायी सेना को नहीं रखा था। इसलिए और युद्ध के समय में उन्होंने लोगों की सेना या सेना का आयोजन करते, जब युद्ध का समय होता था, जब युद्ध का समय आता था उसी समय वो क्या करता था, सेना का आयोजन करता था। ठीक है, क्या है, लेकिन जैसा कि राज आर्थिक रूप से कह रहा है, लेकिन जैसा कि राज आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन जैसा कि राज ऐसा नहीं कमजोर था, राज भी क्या था, आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो गए थे, धीरे धीरे नियमित रूप से कह रहा है जो है सेनाएं स्थापित की गई, धीरे धीरे क्या किया गया, सेनाएं का भी, सेनाओं को भी स्थापित किया। बट किंगडम बिकेम ए मोर पावरफुल इकोनॉमिकली ग्रेजुअली रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी वर सेट अप, धीरे धीरे सेनाओं का भी क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, अब आइए कह रहा है मटेरियल लाइफ, ये क्या होता है तो देखते हैं क्या कह रहा है मटेरियल लाइफ। कह रहा है कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस, मतलब क्या, पशुपालन और कृषि आर्यों का क्या था, एक मुख्य व्यवसाय था। क्या था, पशुपालन और कृषि क्या था, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, द ऋग्वेद मेंशंस ए वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन सच एज द कारपेंट्री, कह रहा है चैरिट मेकिंग वेविंग पोएट्री लेदर वर्क इत्यादि, मतलब क्या कह रहा है कि जैसे कि बढ़ेगिरी, ठीक है, जैसे कि क्या बढ़ेगिरी, और उसके बाद क्या कह रहा है, जैसे कि बढ़ेगिरी रथ निर्माण बुनाई मिट्टी के बर्तन या चमड़े के काम आदि, ठीक है, वे धातुओं के उपयोग में बारे में जानते थे। वे लोग क्या करते थे, दे नो अबाउट द यूज ऑफ मेटल, कॉपर वाज वन ऑफ द मेटल वी यूज्ड वैदिक पीपल, ये लोग इस चीज के बारे में जानते थे। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि वेविंग वॉज द मेनली डन बाय द वुमेन, कह रहा है क्या, ये लोग इस चीज के बारे में जानते थे, वैदिक लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु में से एक क्या था, तांबा, एक क्या था, तांबा, एक था। बुनाई मुख्य रूप से किसके द्वारा, बुनाई का जो काम होता था मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता था, कह रहा है मैनुअली डन बाय द वुमेन, किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा ही क्या किया जाता था, की गई थी। अब क्या कह रहा है, द आर्यंस ऑल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री, ब्लैक एंड रेड वेयर एंड द पेनेंटेड ग्रे वेयर, मतलब क्या कह रहा है कि आर्यों ने विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तन काले और क्या, काले और लाल, ठीक है, आर्यों ने मुख्य प्रकार के बर्तन काले और लाल, ब्लैक लिखा हुआ है ना, ब्लैक एंड रेड, ठीक है, आर्यों ने कह रहा है कि आर्यों ने विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन काले और लाल वे और कह रहा है चित्रित थे, वेयर का भी उत्पादन किया, उन सभी का भी क्या, जो चीज बनाते थे उस पर चित्रित होता था उसका भी लोग क्या करते थे, उत्पादन करते थे। द मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव पोएट्री प्रोड्यूस बाय द आर्यंस वर पेंटेड ग्रे वेयर, उसको पेंट किया जाता था, ठीक है, और उस पर चित्रित होता था, ठीक है, एक चित्रित सिंबल दे के बनाया जाता था। अब क्या कह रहा है, जो आइए देखते हैं, कह रहा है कि वॉल्स एंड द डिशेज मेड ऑफ द मटेरियल लाइफ मटेरियल हैव बीन फाउंड इन द लार्ज नंबर दे वर यूज्ड फॉर द रिचुअल्स फॉर डोमेस्टिक पर्पज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड ए न्यू मेटल आयरन, ठीक है, वॉज डिस्कवर्ड बाय द आर्यंस, मतलब क्या बताए भी हैं कि आर्यन विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन काले और लाल वे और चित्रित थे, वेर का भी उत्पादन किया करता था। आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे विशिष्ट मिट्टी के बर्तन में चित्रित ग्रे वेयर होते थे, जो सबसे विशिष्ट मिट्टी का बर्तन होता था इसमें ग्रे वेयर होते थे, ठीक है, इसमें किया जाता था। इस सामग्री से बने व्यंजन, ठीक है, की संख्या जो है
व्यंजन कह रहा है इस सामग्री से बने व्यंजन और व्यंजन की संख्या में पाए गए थे, उनका उपयोग अनुष्ठानों जहीं कहीं कभी अच्छे अच्छे काम होता था, ठीक है, चाहे पूजा पाठ हो, ठीक है, या कुछ और वर्क हो, इस सब जगहों पे इस सब का जो है किया जाता था, घरेलू उद्योग में इसका उपयोग किया जाता था, उद्देश्य घरेलू जो उद्देश्य होता था ऑब्जेक्टिव इसके लिए इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है, कह रहा है किया जाता था। वैदिक काल के अंत में एक नया धातु लोहा आर्यों द्वारा खोजा गया था। वैदिक काल के अंत में क्या किया गया था, एक नया धातु किसके द्वारा खोजा गया था, आर्यों के द्वारा, यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड न्यू मेटल आर्यन वाज डिस्कवर्ड बाय द आर्यंस, ठीक है, वैदिक काल में आर्यों द्वारा एक मूल धातु क्या खोजा गया था, ठीक है, लोहा जो है इसके द्वारा खोजा गया था। अब आइए देखते हैं क्या कहता है, कह रहा है एक्सप्रेशन, ठीक है, सो डैट आर्यन वेपन्स सच एज एरो हेड्स स्पीयर हेड्स एंड आर्यन एक्स वर एन यूज, कह रहा है एन आर्यन वॉज ए स्ट्रॉन्गर मेटल दैन द कॉपर और ब्रॉन्ज, इट कुड बी यूज फॉर ए क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड फॉर मेकिंग वेपन्स ऑफ वॉर, विथ द डिस्कवरी ऑफ आयरन मेटल वर्किंग बिकेम एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन। मतलब क्या, आइए समझते हैं, कह रहा है अभी हम बताए हैं पीछे कि उनका उपयोग अनुष्ठान और घरेलू उद्योग के लिए किया जाता था। वैदिक काल के अंत में एक नया धातु लोहा आर्यों द्वारा खोजा गया था, यह भी मैं बताया हूँ, कह रहा है अभी पीछे पढ़ाओ ना, उसको भी रिपीट करता हूँ, ठीक है, कह रहा है खुदाई से पता चला, कह रहा है कि खुदाई से पता चलता है कि तीर सिर भाला सिर और कुल्हारी जैसे लोहे का काश की तुलना में एक स्टिगर धातु था, एक क्या था, एक कह रहा है लोहे के हथियार, कह रहा है कि तीर सिर भाला और क्या कुल्हारी, ठीक है, कह रहा है एक्स मतलब क्या होता है कुल्हारी, ठीक है, कह रहा है कुल्हारी जैसे लोहे के हथियार इस्तेमाल में थे उन समय में, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है हथियार के रूप में किया जाता था, चूंकि लोहा या तांबा कांस की तुलना में एक स्टिगर धातु था, क्या था, एक स्टिगर धातु था, इसका उपयोग जंगलों की साफ करने में, जंगलों को क्या करने में, काटने में, यहाँ लिखा है ना क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड मेकिंग वेपन्स ऑफ वॉर, ठीक है, जंगलों को साफ करने और युद्ध के हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था, ठीक है, युद्ध के हथियार बनाने के लिए क्या किया जा सकता, इसका उपयोग लिखा है फॉरेस्ट एंड मेकिंग वेपन्स ऑफ वॉर, ठीक है, ये किया जाता था, ठीक है, लोहे और खोज के साथ साथ धातु का नाम भी एक क्या हुआ, महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया, लोहे के साथ साथ क्या हुआ, लोहे के खोज के साथ साथ धातु का काम भी एक क्या हो गया, अब जैसे ही इसका काम हो गया तो धातु का उपयोग भी क्या हो गया, एक जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया, मतलब क्या महत्वपूर्ण पैसा बन गया, किस चीज़ में यूज करने में, जैसे पेड़ की कटाई करने में, इन सब चीज़ों कटाई करने में क्या हुआ, इसका भी एक मेन उद्देश्य हो गया। अब ये अब कह रहा है सोशल डिवीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं, कह रहा है इन द ऋग्वेदिक पीरियड में डिफरेंस बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन स्टार्टेड, अलग अलग तरह का पेशा, मतलब क्या अलग अलग तरह के कामों को शुरू किया गया था, जैसे पृष्ठ पुजारी जो होता था, स्कॉलर्स एंड द टीचर्स वर कॉल्ड द ब्राह्मण्स, ये लोग को क्या कहा जाता था, ब्राह्मण्स कहा जाता था, द वॉरियर्स जो योद्धा होता था, वॉरियर्स मतलब क्या योद्धा, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर वर द कॉल्ड द क्षत्रिय, उसको क्या कहा जाता था, जो योद्धा होता था, जो लड़ाई करता था, जो प्रशासनिक व्यवस्था देखता था, वो कौन होता था, वो क्षत्रिय होता था, क्षत्रिय। द कॉमन पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन सच एज एग्रीकल्चर, जो कॉमन पीपल होता था वो एग्रीकल्चर क्राफ्ट स्टेट वर्ड कॉल्ड उसको वेस्ट कहा जाता था। एट द लोएस्ट रंग इन द सोशल लीडर, ठीक है, वर द कह रहा है सूरदास हुज ड्यूटी वॉज द सर्व ऑफ द अपर कास्ट, ठीक है, क्या कह रहा है, रंग ऑफ द सोशल लीडर, जो सोशल जो सामाजिक जो नेता लीडर होता था जो काम करता था, दस उस कह रहा है कि वर्स हुज ड्यूटी ऑफ द वर्स सर्वेंट अपर कास्ट, उसका काम था अपर कास्ट के लोगों क्या करना, सर्व करना, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, कह रहे हैं एंड कह रहे हैं नो मेडिकल जॉब, मिनियल जॉब्स, कोई मिनियल जॉब्स नहीं होता था, डू कह रहे हैं एंड डू मीन कह रहा है मिनियल जॉब्स, पीपल स्टिल हैड टू द फ्रीडम टू चूज देयर ऑक्यूपेशन, लोगों को ये आज़ादी थी कि अपने वो अपने आप वो अपने काम को चुन सकता है, ए ह्यूमन फ्री द ऋग्वेद सेज, कह रहा है आई एम अ पोएट, ऋग्वेद में कहता है, ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद फ्रॉम द कह रहा है ए ह्यूम कहता है, भंजन कहता है ऋग्वेद, आई एम अ पोएट, मैं कवि हूँ, माई फादर इज ए फिजिशियन, मेरे पिता एक फिजिशियन है, हरमन आई माई मदर इज ए किडन, मेरी माँ क्या है, किडन है, अर्निंग लिवर थ्रू द डिफरेंट मीन्स वी लिव टुगेदर, लेकिन तब पर भी हम लोग क्या करते हैं, साथ रहते हैं, ठीक है, फ्रॉम द हिम इट सीम्स डैट विद इन ए फैमिली पीपल कह रहा है चूज डिफरेंट ऑक्यूपेशन, मेरे परिवार में लोगों को अलग अलग काम चुनने का क्या है, पैसा है, अलग अलग काम वो क्या कर सकता है, चूज
कुछ कर सकता है। डैट्स सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स आज के लिए, ठीक है, अब रहने दीजिए, अब नेक्स्ट डे फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आप लोग पीछे पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है, पीछे जो है उसको कंप्लीट करना, जो क्वेश्चन जो हम लिखाए हैं उसको याद करते रहना, ठीक है, और पढ़ते रहिए। डैट्स सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर डे।